अगर कोई सर्वे में आपसे पैसा मांगता है तो उसको टांगने का काम ये राजस्व मंत्री का है, आप चिंता मत कीजिए। कि जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें हम लोगों ने अभी ग्राम सभा का शुरुआत करवाया है और करीब 22,000 गांव ग्राम सभा लगाया जा चुका है। उसमें हम वहां के मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर को कह करके पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उनको बताते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सारे कागजात हमारे पोर्टल पर हमारे राजस्व कर्मचारी के पास उपलब्ध है। अगर किसी तरह के कागजात की कमी है तभी आपसे हम उस पर सवाल करेंगे या वो कागजात की मांग करेंगे। पहला। दूसरा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कि बंटवारा नहीं हुआ है और गांव में होता है क्या कि दादा बेटा उसके जो परिवार के लोग सब हैं सभी लोग अपना अपना जमीन आपस में बांट लेते हैं और उनके कब्जा में, तो वैसे परिस्थिति में भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो बंसावली बनाकर जो देंगे और जो आपस में सहमति बनाकर देंगे तो उन सभी लोगों को का वही जमीन माना जाएगा जो उनके परिवार वाले आपस में बैठ करके बताएंगे, हम सर्वे में वही चाहेंगे। तीसरा ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कोई कागजात नहीं है अभी तक, तो वैसे कोई भी मामला जिनका कि कागजात उपलब्ध नहीं है उनको भरपूर समय दिया जाएगा कि आप अपने कागजात को अगर चाहते हैं निकलवाना तो निकलवा कर दीजिए जिससे कि सर्वे में हम आपका नाम चढ़ा सकें। चौथा जो सबसे अच्छा है, जो कि कुछ नेता के समझ में नहीं आया, एक दो नेता कुछ से कुछ बोल गए, जिनका जमीन पर कब्जा है और गांव वाले सब लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन पर वहाँ है और पहले से भी उनका नाम अगर उसमें चला आ रहा है तो हम एक बार सर्वे में उन्हीं को उसका रैयत मान, बाद में अगर दिक्कत है किसी को तो वो कोर्ट में जाए, टाइटल सूट करे, सिविल सूट करे। तो सर्वे से किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं होने वाला है और एक साल में 3 बार 3-3 महीने में हम उनको आपत्ति करने का मौका देंगे। पहला आपत्ति बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ होगा, दूसरा आपत्ति भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ होगा, तीसरा आपत्ति एडिशनल कलेक्टर अपर समाहर्ता के यहाँ होगा और 3 आपत्ति के बाद भी अगर किन्हीं का मामला लग रहा है कि 3 जगह आपत्ति किया हमने, 3 जगह हमको न्याय नहीं मिला, तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इस पर एक स्पेशल टीम गठित करें और जो कि इसका स्पेशल हियरिंग करके उस मामला को सॉल्व करें जिससे कि उनको कोर्ट में या कहीं और जगह नहीं जाना। विपक्ष के लोग इसलिए बोल रहे हैं कि 130 साल में 1890 में सीएस सर्वे शुरू हुआ था और 100 साल बाद फिर 1990 में आरएस सर्वे डिविजनल सर्वे शुरू हुआ। विपक्ष के कुबत की बात नहीं थी कि वो 130 साल में बिहार के जमीन का सर्वे करा लिया और उन्हीं लोगों का पाप है जो कि आज पूरे बिहार में जमीन विवाद में 60% केस थाना में जमीन विवाद का होता है और करीब 30-35% केस कोर्ट में जो है जमीन विवाद का होता है। तो इतने आज़ादी से लेके आज तक और आज़ादी के पहले, आज़ादी से लेके आज तक जो सरकार थी उनकी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर थी जिस कारण से उन्होंने सर्वे का काम पूरा नहीं कराया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करीब 10,000 स्पेशल सर्वे अमीन की नियुक्ति की गई और यह स्ट्रांग विल पावर है सरकार का, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है कि जो काम 130 साल में नहीं हुआ वो काम सरकार करवाने जा रही है। और लोग अगर विपक्ष के बोलते हैं कि आपस में इसमें विवाद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष का सिर्फ आपस का विवाद जो है, विपक्ष का एक अपना सपना है, सोचना है, लेकिन सर्वे एक बार हो गया, सारा मामला डिजिटल हो गया तो उसके बाद बिहार के लोगों को जमीन का विवाद समाप्त। अधिकारियों को लूट का मौका दिया जाएगा इस सर्वे से? नहीं, किस चीज़ का लूट को मौका, जब राजस्व मंत्री ने अपना मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन पर डाला है। आज़ादी के बाद पहला बार कोई मिनिस्टर पब्लिक डोमेन पर, कल भी 567 कॉल आए जिसमें करीब 200 से ऊपर कॉल हमारा अलग अलग लोगों ने रिसीव किया। मैंने डाल दिया है कि अगर कोई सर्वे में आपसे पैसा मांगता है तो उसको टांगने का काम ये राजस्व मंत्री का है, आप चिंता मत।